हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 के बारे में। यहाँ पे नए पंजीयन चालू हो गए हैं, किस तरीके से आपको संबल कार्ड बनाना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली। सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे कैसे आना है, आपको गूगल ओपन करना है आपका, आप अपने मोबाइल में भी इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है संबल पोर्टल। संबल पोर्टल जब आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। मैं डेस्कटॉप में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे कुछ थ्री डॉट दिखेंगे मोबाइल में आपको ऊपर कॉर्नर में, वहाँ से आप डेस्कटॉप साइट भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो यहाँ से आपको जन कल्याण पोर्टल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य पृष्ठ, हितग्राही विवरण, सेवाएं। सेवाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंजीयन हेतु आवेदन करें, अपील हेतु आवेदन करें, अनुग्रह हेतु आवेदन करें। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया है पंजीयन हेतु आवेदन करें, तो इस पे आप क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। यहाँ पे आपको समग्र आईडी डालना है, यहाँ पे आपको सदस्य समग्र आईडी डालना है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपको परिवार आईडी डालना है, यहाँ पे आपको परिवार आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको समग्र पे क्लिक कर देना, खोजे पे। कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने ओपन होगा। आप देख सकते हैं अंकित की गई समग्र में आपका एक वाइस उपलब्ध नहीं थी, इसको क्लिक करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। ओके पे जब आप क्लिक कर देंगे तो पहले आपको इसकी केवाईसी करना है, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो केवाईसी कहाँ से करना है आपको, केवाईसी आपको एक और पेज ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ आपको लिखना पड़ेगा समग्र पोर्टल। समग्र पोर्टल जब आप यहाँ पे लिखेंगे और उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। तो यहाँ पे आपको समग्र पोर्टल पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे दिख रहा केवाईसी का ऑप्शन, ई केवाईसी और भूमि लिंक करें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। यहाँ आपको अपनी समग्र आईडी डालना और यहाँ पे कैप्चा फिल करके खोजे पे क्लिक कर देना। उसके बाद अपना आधार नंबर डालना और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे फिर से खोजे पे क्लिक कर देना समग्र आईडी डाल के। और यहाँ से आपके पास एक पेज खुलेगा, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा, देख लीजिए आप। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, उसको आप संभाल कर रखिए क्योंकि बाद में आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना